हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पहले ही देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि एप्पल स्टोर से जो बाइनेंस सहित 10 जो एक्सचेंज थे फॉरेन एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी के, तो वो वहाँ से रिमूव कर दिए गए। अभी एंड्रॉयड मोबाइल से भी रिमूव कर दिए गए थे स्टडे को। अब इसको आप मतलब इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, प्ले स्टोर पर सर्च नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, अब मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, इस तरह का आपने सुना होगा। अभी देखिए यहाँ पर ये जैसे इंडिया का एक्सचेंज है वजीरेक्स, तो ये देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है ना। तो इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो जितने भी इंडिया के एक्सचेंज हैं वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन हैं। बाहर के जो एक्सचेंज हैं ये कहा जा रहा है कि ये रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं। अब देश को जो खोखला कर रहे हैं उनका क्या, आप देखिए गवर्नमेंट आपको नौकरी भी नहीं देगी, बिजनेस भी नहीं करने देगी, और व्यापार भी ऐसे ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग भी नहीं करने देगी, टांग लड़ाएगी। और फिर कोरोना में कहेगी बाहर मत निकलो, मरने भी नहीं देगी, है ना। तो ऐसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी जिन लोगों ने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो उनके एप्लीकेशन ओपन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने अभी जो लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अपने किसी साथी से आप व्हाट्सएप के थ्रू उसे मंगा सकते हैं, या ईमेल के थ्रू आप एप्लीकेशन को मंगा सकते हैं। जो वर्जन आपके पास है वही मिलेगा, उसके बाद अपडेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ बाइनेंस एक्सचेंज पर मेंटा की फार्मिंग चल रही है और यहाँ पर 9 घंटे 21 मिनट 21 सेकेंड यहाँ पर बचे हुए हैं। अभी आप फार्मिंग कर सकते हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटा को आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद में ये 18 तारीख को 10 UTC टाइम पर ये लिस्ट होगा, जैसे कि इसके पहले भी जो लिस्ट हुआ था दिन के मतलब 3:30 बजे लिस्ट होगा, तब आप इसको ट्रेडिंग कर पाएंगे। फिलहाल अभी इसको अभी बाइनेंस एक्सचेंज को आप प्ले स्टोर पर नहीं देख पाएंगे। अभी क्या न्यूज आती है तो देखते हैं आगे। फिलहाल अभी तो जो इंडियन एक्सचेंज है उनकी बल्ले बल्ले रहेगी, क्योंकि अपने हत्था जगन्नत्था कहते हैं ना। तो देखिए अभी क्या है कि जो इंडिया से बैंक से लोन ले जाते हैं वो भी बाहर भाग जाते हैं, और बाहर से जो पैसे लाने वाले होते हैं उनको भी कहते हैं तुम भी भाग जाओ, ठीक है। अब चाइना का एप्लीकेशन था वो बैन कर दिया गया, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बंद कर देंगे क्या पड़ी है, ठीक है। तो अपना देखना, आपके घर में अगर खाना पीना होगा, ठीक है, आप जब काम करेंगे तभी आपको मिलेगा, और आप अगर काम नहीं करेंगे तो कोई देने नहीं आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आपको देखना है, फिलहाल आपके पास एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन वर्क होना चाहिए, और जो हाथ से आप कर सकते हैं काम, ठीक है, वो होना चाहिए। अपने घर का कोई भी एक बिजनेस ऐसा हो जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, वो भी होना चाहिए। 3-4 काम आप साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ तो कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक बाइनेंस में अकाउंट नहीं बनाया है तो बना सकते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है आपको एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये जैसे ही आ जाता है वैसे आप यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। फिलहाल आप वजीरेक्स एक्सचेंज में अकाउंट बना सकते हैं, और किसी को भी यदि वजीरेक्स आप रेफ़र करते हैं तो आप बंदा यदि आपके अकाउंट में ट्रेड करता है तो जो भी वहाँ पर ट्रेडिंग फीस पड़ती है उसका 50% आपके अकाउंट में आता है, ये हमेशा होता रहता है। जितने ज़्यादा आपके टीम में होंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमीशन होगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।